वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अमोल और आप लोगों के लिए फिर से लेकर आ गया हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आप लोग कुछ दिनों से नोटिस किए होंगे कि फेसबुक में, व्हाट्सएप में और इंस्टाग्राम में इस तरह का लव शेप वाला फोटो बहुत सारे लोग अपलोड कर रहा है, जिसमें उन लोगों का बहुत सारा दोस्तों का नाम लिखा होता है, जो देखने में बहुत ही बेहतरीन लगता है। तो ये सारे फोटो देख के आप लोग भी शायद ऐसे फोटो बनाने की कोशिश किए होंगे जिसमें आप लोगों का भी दोस्तों का नाम रहे, लेकिन ये कैसे बनता है ये पता ना होने के कारण आप लोग शायद इसको बना नहीं पाए होंगे। तो आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इस तरह का लव शेप वाला फोटो बना सकते हैं जिसमें आप लोगों का दोस्तों का नाम रहेगा। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर अपने फ़ोन में इस तरीके का लव शेप वाला पिक्चर बनाना चाहते हैं जिसमें आप लोगों का दोस्तों का नाम रहेगा, तो बहुत ही आसान है बनाना। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इस तरीके का फोटो आप बना सकते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से। तो पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोगों को एक एप्लीकेशन को सर्च करना पड़ेगा जिसका नाम है वाट क्लाउड आर्ट। वाट क्लाउड आर्ट सर्च करके आप लोगों के सामने ऐसा एप्लीकेशन आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल करना है। मेरे फोन में पहले से इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे ओपन ऑप्शन दिखा रहा है, तो आपको इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। तो ओपन कर देने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका स्टार्ट, आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे क्रिएट वर्ड पे जाना है। तो यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को आपका नाम और आपके दोस्तों का नाम टाइप कर देना है। तो चलिए मैं मेरा कुछ दोस्तों का नाम और मेरा नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो एक नाम लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा नाम आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो सारे नाम टाइप कर देने के बाद आप लोगों को ऊपर यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा डन, आपको डन कर देना है। तो डन कर देने के बाद आप लोगों के सामने ऐसा सारा नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा सेव का, तो सेव में प्रेस करके आप यहाँ पे कोई भी सेव सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली लव का जो सेव है वही चल रहा है ज़्यादा, तो आप वही यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको अगर ना करेंगे आप तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को सेव मिल जाएगा जो सेव बहुत ही दिखने में बहुत ही अच्छा है, तो ये सेव भी आप रख सकते हैं। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे लव सेव पे ही दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा बॉर्डर, तो आप यहाँ पे इसका जो सफेद बॉर्डर है इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इस पर जाने के बाद आप लोग यहाँ पे बहुत सारे कलर मिल जाएगा, आप कलर के हिसाब से यहाँ पे बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेड बॉर्डर दे देता हूँ जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा बैकग्राउंड कलर, मतलब इसका जो ब्लैक बैकग्राउंड है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो ब्लैक बैकग्राउंड है वही दिखने में अच्छा लगता है, तो आप ब्लैक ही रखिए, वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। उसके बाद आप लोगों को फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, जितने भी नाम है उसका जो फॉन्ट है उसका फॉन्ट का जो स्टाइल है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे फॉन्ट मिल जाएगा, आप बहुत सारे फॉन्ट एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं यहाँ पे कुछ फॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ एक साथ, आप जैसे कुछ फॉन्ट पहले से ही यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, आप मैं भी कुछ कर दिया यहाँ पे सिलेक्ट। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे साइज ऑप्शन मिलेगा, मतलब आप लोग जो नाम लिखा है उसको अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जो आपके हिसाब से वो सेट कर दीजिए। तो इसका कर देने के बाद ऊपर यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को सेव, तो सेव कर दीजिए आपका पिक्चर जो है रेडी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम किसी जगह पर भी आप ये फोटो का अपलोड कर सकते हैं। तो यही था प्रोसेस, इस प्रोसेस से आप ऐसे पिक्चर बना के आप अपलोड कर सकते हैं अपने दोस्तों के नाम देके, जो आप लोगों का दोस्त अगर देखेगा तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, मेरे दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मतलब अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद वाला बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।